यहाँ पे 11 वोल्टेज आ रहा है। ये अभी देखिए इसको ढकने के बाद, ये देखिए अभी थोड़ा कम हो गया, ये देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और ये हटाने के बाद देख फ्रेंड्स तो कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आएगा बहुत मजा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में एक सोलर पैनल बनाएंगे, छोटे छोटे सोलर पैनलों को जोड़ करके एक बड़ा सोलर पैनल बनाएंगे, जिसकी मदद से फ्रेंड्स 12 वोल्ट का सोलर पैनल बनाएंगे, जिसकी मदद से हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं धूप में रख करके, 12 वोल्ट एलईडी बल्ब को जला सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो यार ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन दबा करके आल पे सेट कर लो। दोस्तों मैं बहुत दिनों से 12 दिन हो गया है मेरे को वीडियो अपलोड किए हुए, और मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, कहीं चले गया था। तो उसके बाद मैंने मेरा जब फोन आ गया तो अब से मैं दो दो दिन पे एक वीडियो अपलोड कर लूंगा। तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, दो दो दिन पे वीडियो आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अपने वर्किंग टेबल पे आ चुके हैं और ये देखिए हमारे पास सोलर पैनल है, ये थोड़ा चौड़ा है और ये तीर हमारे पास पतले पतले हैं। तो फ्रेंड्स हम इसकी मदद से एक 12 वोल्ट का सोलर पैनल बनाएंगे, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है, और इस सोलर से हम बहुत कुछ चला सकते हैं, बहुत कुछ चार्जिंग कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होता है, हम इससे फैन चला करके हवा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बड़ा है लेकिन इसका वोल्टेज है एक ही बराबर आता है, फिर भी मैं आपको एक बार चेकिंग करा देता हूँ धूप में ले जा करके। इसको मैंने धूप में ला लिया है और इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट आ रहा है अभी ये धूप में। अभी इसके ऊपर मैं हाथ लगाता हूँ तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे इसका वोल्टेज कम होने लगा है, और इसको हटाने पर ये देखिए 6 वोल्ट तक आ रहा है इस पर वोल्टेज। ये देखिए अभी इस टाइम ये धूप में है, और इसका जो सारे सोलर है, सारे सोलर का एक ही जैसे वोल्टेज आएगा, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। इसको हम जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 12 वोल्ट वोल्टेज आएगा। गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया धूप में इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। इसका वोल्टेज करीबन 5 वोल्ट तक है, इस पे 5 वोल्ट तक आता है वोल्टेज बहुत आसानी से। तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए जो इसका एक सोलर का प्लस वाला है और इसमें भी प्लस माइनस है, सब में प्लस माइनस दिया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही सोलर मिलेगा। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें ये जो माइनस वाला है ये दूसरे सोलर के प्लस वाले में इस तरीके से जोड़ देना है। ये जो माइनस वाला प्लस में आ गया, और ये देखिए यहाँ पे इस सोलर का माइनस वाला आ गया, और यहाँ पे मतलब सॉरी दोस्तों यहाँ पे इस सोलर का प्लस वाला आ गया और इस सोलर का माइनस वाला, तो यहाँ ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। इसको हम 12 वोल्ट करने के लिए यहाँ से दोस्तों इसको हम एक और लगाएंगे, और ये वाला है जो एक जो फालतू बच रहा है इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि पैरेलल में, सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा एम्पियर जो होगा वो बढ़ के आएगा एम्पियर, और वोल्टेज तो हमारा 15 वोल्टेज तक आ ही जाएगा करीबन। गाइस हम इसको इस पीवीसी सीट के ऊपर हम लगाएंगे ताकि इसको हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम लगाएंगे दोस्तों इसको, हम दोनों को इस तरीके से, और इसको यहाँ पे, और देखिए इसको यहाँ पे, ये यह देखने में भी अच्छा लगेगा, बड़ा भी है इतना बड़ा 12 वोल्ट, इसको हम बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम कनेक्शन भी करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं पूरा बन के रेडी हो चुका है, जिसको मैंने आपको बताया था किस तरीके से कनेक्शन करना है सीरीज में। तो मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, और इसका लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसके स्टैंड हम बनाने के लिए सिंपली आप एक पीवीसी सीट का पतला सा सीट लगा देंगे, जिससे कि इसका स्टैंड बहुत आसानी से बन जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसके साइड साइड में पीवीसी सीट लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो इसको मैं इसका वोल्टेज सब कुछ मैं चेक करा देता हूँ, इससे क्या क्या चला सकते हैं 12 वोल्ट की चीज़ें। ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी बनाया है जिसको, जिससे कि मैं इसी चीज़ से इससे ही इसको चार्ज करूँगा। इसका वीडियो मैंने अभी नहीं डाला है, इसको वीडियो मैंने बनाया ही नहीं था, ये मैं अपने पर्सनल चीज़ों के लिए बनाया हूँ। ये देखिए दोस्तों ये 12 वोल्ट की पूरी लिथियम आयन बैटरी है 12 वोल्ट की, और इसको तो मैं चलिए धूप में इसका टेस्टिंग कराता हूँ, ये कितना लोड ले सकता है 12 वोल्ट की बैटरी, इससे चार्ज करके देखेंगे इसका कितना वोल्टेज आ रहा है, ये कितने एलईडी बल्ब जला सकता है। धूप में ला लिया है और इसका टेस्टिंग करते हैं। ये मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं पूरा जीरो है। और दोस्तों ये कोई फेक वीडियो नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी वैटरी नहीं है, सिंपल है। और आपको पता ही होगा कि जब हम छोटे छोटे सोलर पैनल को लगाते हैं तो इससे वोल्टेज बढ़ के आता है। तो इसको हम चेक करते हैं।
ब्लैक वाले को ब्लैक में लगाएंगे और रेड वाले को रेड में। इसको इसमें लगाए और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 वोल्टेज आ रहा है। ये अभी देखिए इसको ढकने के बाद ये देखिए अभी थोड़ा कम हो गया, ये देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और ये हटाने के बाद देख सकते हैं 11 वोल्टेज तक 11.645 इस तरीके से कुछ आ रहा है। इससे हम बल्ब जला के देखते हैं, ये अभी 3 वोल्ट का बल्ब है, 12 वोल्ट का तो बल्ब ही है नहीं, इससे देखेंगे कितना तेज जलता है या नहीं जलता है। इसको हम लगाते हैं ब्लैक वाले को ब्लैक में, रेड वाले को रेड में, यानी प्लस माइनस में हम इसको लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये जल तो रहा है लेकिन इसका ब्राइटनेस थोड़ा धीरे है। ये देखिए बीच वाला जल रहा है और इसको हटाने के बाद देखते हैं, ये देखिए बंद हो गया, इसका ब्राइटनेस बहुत धीरे है। ये देखते हैं कितना वोल्टेज ले रहा है अभी इस टाइम, अपना 11 वोल्टेज है, 11 वोल्टेज आ रहा है इसमें, मल्टीमीटर में शो कर रहा है। ये देखिए इस टाइम यहाँ पे 2.64 आ गया यहाँ पे, तो ये बहुत वोल्टेज ले रहा है अभी, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा धूप नहीं हुआ है, फिर भी अभी ये इतना जला दे रहा है। फिर भी इसका ब्राइटनेस तो सही है। इससे हम 12 वोल्ट का फ़ैन भी चला के देखते हैं। CPU फ़ैन है जिससे मैंने AC बनाया था, आप ये वीडियो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे होगा। ये देखिए इसको लगाएं यहाँ पर और ये देखिए अब ये थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं घूम रहा है। ये देखिए इसमें अभी कुछ ज़्यादा एम्पियर नहीं आ रहा है, इसको अभी धूप भी नहीं हुआ है ज़्यादा तगड़ा वाला। ये देखिए देख सकते हैं दोस्तों बहुत कम है, पूरा रियल है, कोई फेक नहीं है। और ये देखिए ये तो और ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है क्योंकि ये CPU फ़ैन 12 वोल्टेज का है। इसको घुमाने के बाद देखिए इस टाइम इसको फिर लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों देखिए ये पूरा भी स्पीड से नहीं घूम पा रहा है। इसका मैं एम्पियर बता दूँ, एक एम्पियर से तो कम ही होगा इसका एम्पियर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े सोलर पैनल नहीं है, सोलर ये छोटे छोटे ही हैं, तो बस ये इतना ही जल पा रहा है, कोई ज़्यादा तेज नहीं जल रहा है इसका। और एक बार और जला के देखते हैं मल्टीमीटर को निकालने के बाद, इसको साइड में हो जाओ भाई, ये इसको लगाए और ये देखिए ये इसको इधर रखते हैं और ये देखिए दोस्तों अभी देखते हैं ये कितना जल रहा है। ये देखिए आप सब आपके सामने ये सोलर को मैं इधर रखता हूँ और ये देखिए बहुत धीरे जल रहा है सोलर, बहुत धीरे, यानी लाइट बहुत धीरे जल रहा है, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर धूप होगा तो और तेज़ जलेगा। इससे हम बैटरी अगर चार्ज करें तो ये दिन भर में 12 वोल्ट की बैटरी को फुल कर सकता है, 4 से 5 एम्पियर वाली बैटरी को ये फुल कर सकता है। बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेकार भी नहीं है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 400 से 500 रुपये तक का मिलेगा और इसको घर पे बनाएंगे तो बहुत सस्ते में ही ये बन जाएगा।